आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए आज वोटिंग हो रही है। प्रदेश की 36 विधान परिषद की सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं लखनऊ सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने मतदान किया। इस दौरान प्राइम टीवी से विधायक राजेश्वर सिंह ने बातचीत की। आप भी देखिए क्या कुछ कहा। कुल 36 सीटें, 36 में से कितनी जीत की उम्मीद? 3600 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 2/3 बहुमत होगा हमारा विधान परिषद में। कितना लाभ मिलेगा इस बहुमत का? बहुत जरूरी है, जितने हमारे अच्छे बिल्स पास होते हैं विधानसभा से उसमें अड़ंगा ना लगे, विकास के कार्यों में अड़ंगा ना लगे, इसलिए विधानसभा परिषद में बहुमत बहुत जरूरी है और ये बहुमत हम हासिल। पर समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि आपने अड़ंगा लगाया है उनके नामांकन करने तक में। उनका पास यही काम उन्होंने किया है, इसलिए उनको इसी तरह के अनर्गल आरोप लगाने की आदत है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, माफियाओं की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है, यहाँ इस तरह का कोई कार्य नहीं होता। यूपी विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए आज वोटिंग हो रही है। 27 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान चल रहा है। 95 उम्मीदवार मैदान में है। परिषद की स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र की 36 सीटों पर हो रहे चुनाव में से भाजपा ने 9 सीटें निर्विरोध जीती हैं। वहीं लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने वोट डाला है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा, आप भी देखिए। कितनी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलने की 36 में से कुल में? 27 सीटों पर मतदान हो रहा है जिसमें से 9 हमने निर्विरोध जीत चुके हैं, बाकी सीटों पर आज चुनाव हो रहा है और हम बहुमत से जीत रहे हैं। विधान परिषद में जब बहुमत हो जाएगा तो प्रस्ताव जो भी रखे जाते हैं विधेयक पास करने में आसानी होगी? हाँ बिल्कुल आसानी होगी और विकास का काम जो पहले भी तेजी से चल रहा। तो आज सुबह से ही एमएलसी के लिए मतदान हो रहे हैं और 4 बजे तक ये मतदान चलेगा, साथ ही 12 तारीख को इसका परिणाम सामने आएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।